इस वर्ष जो परीक्षा में पूरे राज्य में वैसे विद्यार्थी जिन्होंने मेरिट लिस्ट में टॉप मोस्ट स्थान प्राप्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रही हैं सुश्री रामायणी रॉय जो पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद की छात्रा है और इन्हें कुल 487 अंकों की प्राप्ति हुई है जो कुल अंकों का 97.4% है। दूसरे नंबर पर दो संयुक्त रूप से छात्र और छात्राएं रही हैं सुशील सानिया कुमारी जो प्रोजेक्ट हाई स्कूल रजौली नवादा की छात्रा हैं और विवेक कुमार ठाकुर जो न्यू उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिद्धा परसाही मधुबनी के छात्र हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से 486 अंक प्राप्त हुए हैं और द्वितीय स्थान पर रहे हैं जो कुल अंकों का 97.2% है। और तीसरे स्थान पर रही हैं सुश्री प्रज्ञा कुमारी जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजार दरबा औरंगाबाद की छात्रा हैं और इन्हें 485 अंक प्राप्त हुए हैं जो कुल अंकों का 97% है। इस प्रकार कुल टॉप 5 में 8 विद्यार्थी ने अपना स्थान बनाया है और टॉप 10 में कुल मिलाकर 47 विद्यार्थियों ने अपना स्थान बनाया है। इस वर्ष ऐसा पहली बार हुआ है बिहार राज्य के और बिहार बोर्ड के इतिहास में बल्कि पूरे देश में कि पहली बार बिहार बोर्ड ने और किसी भी बोर्ड ने देश में मार्च महीने में रिजल्ट जारी किया है। इसके पहले अब तक बोर्ड अप्रैल माह में रिजल्ट जारी करता रहा था विगत कुछ वर्षों से, किंतु इस बार पहली बार बिहार बोर्ड ने मार्च माह में रिजल्ट जारी किया है और इसके साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण सुधार इस बार भी किए गए हैं जिनके चलते न सिर्फ उच्च तकनीक और उच्च गुणवत्ता के साथ सारी परीक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किया गया बल्कि पूरी तरह कदाचार रहित माहौल में कड़ाई के साथ परीक्षा व्यवस्था को आयोजित करते हुए रिकॉर्ड समय में इस वर्ष बिहार बोर्ड ने रिजल्ट दिया है जो न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश के लिए एक नया कीर्तिमान है। इस परीक्षा में कुल 16,11,99 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे जिसमें छात्रों की संख्या 8,20,179 थी और छात्राओं की संख्या 7,90,920 थी। इस परीक्षा में कुल 12,86,971 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं जो कुल संख्या का 79.88% है और इसमें कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 6,78,110 है और कुल उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या 6,08,861 है। इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 4,24,597 है, द्वितीय श्रेणी में 5,10,411 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 3,47,637 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।